नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीके न्यूज चैनल सच का साथ। खबर राजगढ़ जिला ग्राम सेहत खेड़ी से खबर आ रही। जहाँ पर नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेहत खेड़ी के रहने वाला कुंदन सिंह राजपूत ने की बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या। देखिए हमारी रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेहत खेड़ी में बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या की। गरीब परिवार नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेहत खेड़ी में रहने वाले कुंदन सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। राजपूत के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त कर परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसमें उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, विधायक खिलचीपुर, राजगढ़ विधायक बापू सिंह तंवर, ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित और सीताराम मल्लहरी, पंकज राजपूत, नए हेड़ा तलेन तिवारी जी, रईस खां तलेन, इकलेरा से ठाकुर प्रसाद पालीवाल, राजेंद्र विजयवारकी, पिंटू पाटीदार, संजय भट्टा तलेन नहाली से, राकेश पटेल राजपूत और नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा, टप्पा तलेन थाना प्रभारी मुकाती तलेन, इकलेरा चौकी प्रभारी मोहन सिंह और समस्त आसपास के ग्रामवासी रहे। भैया खिलचीपुर से आए हूँ जी, और हम जिले के तीनों कांग्रेस पक्ष के विधायक जी, आदरणीय बापू सिंह जी तंवर साहब जी, रामचंद्र दांगी जी, मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे समस्त युवा कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, इस परिवार से मिलने आए और हमारे पक्ष की तरफ से हमने परिवार को आर्थिक सहायता व परिवार को रोजगार दिलाने का भी पूरा पूरा हम लोग आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं। कौन से गांव में आया? सेहत खेड़ी गांव है और इस यहां के नौजवान ने पीतमपुर में आत्महत्या की। मैं भैया खिलचीपुर से आया हूं जी, और हम जिले के तीनों कांग्रेस पक्ष के विधायक जी, आदरणीय बापू सिंह जी तंवर साहब जी, रामचंद्र दांगी जी, मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे समस्त युवा कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ता जी, इस परिवार से मिलने आए और हमारे पक्ष की तरफ से हमने परिवार को आर्थिक सहायता व परिवार को रोजगार दिलाने का भी पूरा पूरा हम लोग आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं। कौन से गांव में आया? सेहत खेड़ी गांव है और इस यहां के नौजवान ने पीतमपुर में आत्महत्या की।